CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए अब सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 11वां सबक। मीर तकी मीर, सफा नंबर 116। मीर तकी मीर 1722 ईस्वी से 1810 ईस्वी तक तारुफे शायर। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे। मीर की नौउम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मीर दिल्ली आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। यहाँ खान आरजू की सोहबतों ने उनके ज़ौक़े शेर और इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वो दिल्ली के नुमाया शोरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। अपने मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपुताने में गुजारा और बाला आखिर 1782 ईस्वी के करीब वो लखनऊ आए। नवाब आसिफुद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया और लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके जमाने से लेकर आज तक तमाम शोरा और नाकिदीन ने उनकी शायराना अजमत का एतराफ किया है। उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में उतनी ही खूबी से जगा दी है जिस खूबी से वो रंजो गम की बात करते हैं। उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है लेकिन इसमें फिक्र की गहराई है। उनके शेर दिल को छूते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्जों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने कलाम में नए नए मानी पैदा करते हैं। मीर ने हर सिन्फ़े सुखन में तबा आजमाई की है लेकिन उनका असल मैदान गजल और मसनवी है। उर्दू में उनका जखीम कुल्लियात शाया हो चुका है। उन्होंने जिक्र मीर के नाम से फारसी जबान में आप बीती लिखी और निकातु शूरा के नाम से उर्दू शायरों का तस्करा लिखा जिसे उर्दू शूरा का पहला तस्करा तस्लीम किया जाता है। सफा नंबर 117। गजल, शायर मीर तकी मीर। अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। होश जाता नहीं रहा लेकिन, होश जाता नहीं रहा लेकिन, जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मोनी से हिजरा, सब्र था एक मोनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखनता बेलब नहीं आता। दूर बैठा गुबारे मीर इससे, दूर बैठा गुबारे मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। सफा नंबर 118। मश्क, लफ्ज़ो मानी, अश्क आंसू, वो यहां बमानी महबूब, लोहू लहू यानी खून, मोनिस दोस्त दिल को तसल्ली देने वाला, हिजरा जुदाई, गिरिया आंसू, हमदम
ساتھی سخن بات غبار میر میر کی خاک یعنی مر کر خاک ہو جانے کے بعد میر کا جسم غبار بن کر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ ایک کا 11واں سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق 12 آتا ہے۔ پرستوتی CIET NCERT نئی دلی بھارت۔